नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपको चटपटा और स्पाइसी फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। और आप पूरी वीडियो को देखिएगा और एक फ्राइड राइस बनाने का वो तरीका हमसे पूरा सीखिएगा। इसमें सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ और इसमें हमने मटर रख दिए हैं। ये मटर अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे, छिलके हमने मटर इसमें रख दिए थे, तो अब मटर बॉयल हो रहे हैं इसमें। उसके साथ हम एक बर्तन में हम जो है ये गाजर रखे हुए हैं और अभी और काटने के बाद इसमें हम इसको इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। एक मशीन से हम गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं और ये हमने इसमें बर्तन में रख लिए। इसी तरीके से हम आलू लिए हैं, आलू भी हमने काट लिया है, तो आलू भी हमने इसमें रखने जा रहे हैं। तो इसमें हम आलू रखेंगे, तो उसमें हमने ये फंसा दिया और अब इसको भी हम आलू को भी हम इसी तरह से, आलू जरा बड़ा हो गया तो अटक रहा है, सारा छोटा काटना है ताकि आराम से उसमें कट जाए। ये मार्केट में इजीली ये मशीन मिल जाती है, हम आपको एक ब्लॉग में दिखा चुके हैं। तो ऐसे इसमें कोई सी भी वेजिटेबल से डाल के छोटे छोटे पीस आसानी से हो जाते हैं। अगर आप चाकू से ना काटना चाहें तो इससे भी इजीली कट जाते हैं। इसके अंदर एक ग्रेड लगी होती है, तो ये आलू कट रहे हैं, आलू के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। चाकू से शायद इतने छोटे नहीं हो पाते थे और टाइम लगता था, तो आलू के भी टुकड़े हमने इसमें काट लिए हैं। तो आलू के टुकड़ों को भी हम के लिए रख देंगे। ये गाजर रखा है और दूसरे में हमने ये आलू रख लिए हैं। हमने ये मटर छील लिए हैं और ऐसे ही हम गाजर भी छील रहे हैं और उसके साथ हम ये प्याज भी छीलेंगे। गाजर छिलके ऐसे बन चुका है और ये आलू और मटर हमारे ये बॉयल हो चुके हैं। हमने गैस बंद कर दी है और चावल हमारे पास पहले से ही पके हुए हैं, ऑलरेडी हमने चावल पका रखे थे, तो हम ये फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो चावल तो सबसे पहले पके ही हैं, लेकिन अब उसमें बनाने के बाद जो है उसमें हम जो है ये मिक्स करेंगे। तो अभी हमने थोड़े गाजर और लिए, शायद कम पड़ रहे थे, तो हमने थोड़े से गाजर और लेके उनको भी हम काट रहे हैं, यहाँ पे चॉपर कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मशीन से हम आराम से इसको थोड़ी इजीली काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अब ये ओनियंस ले लिए, ओनियंस के भी हमने दो पीस कर लिए हैं ताकि इस मशीन में अटके नहीं, और इसको भी हम चॉप करेंगे। ये लिया और इसी में हमने ये ढक्कन लगा दिया और ये पकड़ लिया इसको खींच पकड़ने के लिए और इसको खींचा। आगे आगे दिखा दीजिए। इसके साथ इसको बहुत इजीली रस्सी को खींचना है। ऑनियन भी हमने चॉप कर लिया है। ये हो गया, काफी बढ़िया हो गया है। तो ऑनियंस को भी हमने इसमें रख लिया है। टू और ऑनियंस हमने इसमें ले लिए, चॉपर मशीन में हमने रखे ऑनियंस और ढक्कन ठीक से लगाया। बिल्कुल आराम से इसको खींचेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस होते जाएंगे। देखिए हमारे को आप इतना लजीज और बढ़िया फ्राइड राइस होगा, इतना मस्त आते हुए चाटते रह जाएंगे। ये प्याज अच्छी तरह से कट चुका है और प्याज को भी अभी हम इसमें रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मटर भी हमने उसमें से निकाल के प्लेट में रख लिए। तो गाजर, मटर और आलू तीनों हमने उसमें रख लिए एक बर्तन में। ओनियंस तो हमने पहले ही काट के अलग रखे हुए, ये ओनियंस हो गए हैं। और चावल हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं, जो हमने कि बॉईल करे हुए थे। फ्राइड राइस के लिए जो सबसे मेन चीज है, ये हम एक फ्राइड राइस मसाला लाए हुए हैं, आई लव देसी चाइनीज फ्राइड राइस मसाला। और बिल्कुल जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल यही चीज बनेगा।
तो मसाले से भी काफी टेस्टी बनेगा। राइस हमने ले लिए, तो फ्रेंड्स चावल हमने पहले ही बॉईल किए हुए थे, तो इसमें आपको जितना भी आपने बनाना है उतने चावलों का हमने फ्राइड राइस कर लीजिए। व्हाइट चावल भी खाते हैं लोग, और ये हम राइस के लिए हमने पहले से बॉईल किए हैं, तो बॉईल किए हुए हैं, तो अब ये हम ये जो है प्लेट में रख रहे हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा भी ना हो और कम भी ना हो, बिल्कुल नपा तुला। और फ्राई चावल यहाँ से लेके इसमें किया, इसमें इनको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, मसाला डालेंगे और आपके सामने आज एक लजीज फ्राइड राइस बनके तैयार होंगे। राइस को जो है हम हाथ से तोड़ रहे हैं, जरा उस पर गांठे सी बन गई थी तो हाथ से बिल्कुल उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, और इसमें हम जो है अपना जो मसाला लाए हुए हैं उसको मिक्स करेंगे। ये मसाले को हमने इसमें मिक्स कर दिया है राइस में। ये फ्राइड राइस मसाला आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, फ्राइड राइस मसाला। ये अपनी चॉइस के ऊपर है कि आपको कितना मसाला खा सकते हो, तो ज़्यादा चटपटा खाना है तो दो भी डाल सकते हो, हम इसमें एक ही डाल रहे हैं। मसाला और राइस की जो क्वांटिटी है वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना राइस डालोगे और कितना मसाला डालोगे, ये अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हमने, ऐसे ही इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, टर्मरिक, बहुत कम तीखी मिर्च, छोटी सी मिर्च डाली है, ये जितना खा सकते हो आप उतना ही डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है, और ये लगभग 80% काम हो चुका है। अब इसमें जस्ट पकाना है चूल्हे में और आपकी फ्राइड राइस बनके तैयार। ये हमने कढ़ाई रख दी, हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, गैस जल चुका है और इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसमें हमने जो अपना कटा हुआ ऑनियन था सारा हमने तेल में डाल दिया है, उसको भूरा होने तक गर्म होने के लिए रख देना है। अब हमने इसमें मटर भी डाल दिए हैं, क्योंकि मटर हमने ऑलरेडी पका लिए थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें गाजर डाल रहे हैं, अब पोटैटोस जो हमने चॉप किए हुए थे वो डाल दिए हैं, मशरूम है और शिमला मिर्च है और जो है अपना बीन्स वगैरह अगर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, जो भी वेजी अवेलेबल है, यस जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। हरी सब्जियां जितनी डालोगे वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बीन्स डाल सकते हैं। और 5 मिनट के लिए हमने इसको ढकने के लिए कंटिन्यू इसे हिलाते रहे ताकि नीचे जल न जाए, नहीं तो नीचे जल सकता है। अब ये अच्छी तरह पकने लग चुका है, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हमने ये जो राइस है वो थोड़ा थोड़ा लेके इसमें डाल देने हैं, थोड़ा सा और गर्म हो जाएंगे, हालांकि राइस तो पहले से पके हुए हैं। तो अब जो है राइस को इसमें लेके इस बर्तन में रख दिया वेजिटेबल्स में, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, क्योंकि राइस ऊपर थे और वेजिटेबल्स नीचे था, तो अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब थोड़ी देर और गर्म कर देंगे और ये राइस फ्राइड राइस हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, मस्त दानेदार एकदम चकाचक। तो फ्रेंड फ्राइड राइस बिल्कुल बन के तैयार हो गई है घर में ये काफ़ी इजीली बन जाती है। अगर आप मार्केट में जाएं इसको लेने तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक प्लेट खाएं तो कम से कम 25 से 30 रुपये मिनिमम, आपको किसी भी छोटी जगह पर भी जाएं तो मिनिमम लगेगा, और अगर बड़ी जगह जा रहे हैं तो 100 रुपये से कम की एक प्लेट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ हम घर में बनाते हैं इसको तो बाहर से ज़्यादा स्वादिष्ट भी होगा और सेफ भी रहेगा कोरोना टाइम में, और
इतनी स्वादिष्ट की जो है इजीली आप घर में इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पक चुके हैं, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पहले से पका हुआ था और हमने ये खाने के लिए प्लेट में सजा दिया है। तो अभी इसका जरा टेस्ट लेते हैं। इसी साथ गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है तो शाम का टाइम है, तो चाय भी अभी तैयार हो रही है। कप में चाय रख दी है, बिल्कुल अदरक मार के, बिल्कुल अदरक का टेस्ट है। गर्मा गर्म चाय है, मलाई भी ऊपर से आ रही है चाय में। फ्राइड राइस आ चुके हैं, लो हम जरा इसका चख का आनंद लेते हैं। बहुत स्वाद बने हुए, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। इस फ्राइड राइस में जो है जिसने भी मेरी बहुत हेल्प की है बनाने में, इस वीडियो को बनाने में भी और फ्राइड राइस बनाने में भी, शायद 2 मिनट और इसको और पका देते तो शायद और ज्यादा पक जाते। मे भी जो पोटैटोज हैं वो हल्का सा लग रहा है कि कुछ है, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और इसके साथ जो है चाय भी थी, चाय गर्म कर रखी है। जो फ्राइड राइस के साथ हम जो है इस टाइम इवनिंग में जो है चाय भी ले रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम ये भी विराम देते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। जय देवभूमि।